हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो हमने लास्ट लेक्चर में फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन को खत्म कर लिया था। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर एक दो इसके डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है उसको भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक एक करके ध्यान से। तो सबसे पहला मैं बोलता हूँ यहाँ पर एडिशन में कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। फर्स्ट तो आपका फ्री रेडिकल था, कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब ये क्या होगा बच्चों, अब यहां पर आप लोगों को तकलीफ आना स्टार्ट होगा। अब देखो कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन किस तरीके से करेंगे डील बेटा, इसको ध्यान से समझना। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर इस तरीके से अटैच हो डबल बॉन्ड से, तो यहां पर आपका हमेशा कौन सा होगा, कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट करने के लिए हमको क्या चाहिए, H2SO4 हो जाए या फिर कोई लुईस एसिड हो जाए, ठीक है, लुईस एसिड, ये सब इसको इनिशिएट करते हैं। ये सब इसको क्या करते हैं बच्चों, इनिशिएट करते हैं कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन को, ये सब आपका इनिशिएट करेंगे। लुईस एसिड सारे के सारे BF3 हो जाए तो ये भी इसको इनिशिएट करेगा, AlCl3 हो जाए ये भी इसको इनिशिएट करेगा। तो आप देखते हैं बच्चों एक एक करके कि किस तरीके से आपका होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में होगा, ये बात आप लोग ध्यान से समझ लो। देखो सबसे पहले क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, हम यहाँ H2SO4 लेते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ खुलेगा, यहां पर आएगा माइनस और यहां पर आएगा प्लस और यहां पर आएगा माइनस। अब जैसे ही यहां पर माइनस आएगा तो ये इस एच प्लस को जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां पर मैं बता रहा हूं चेन इनिशिएशन स्टेप, सबसे पहला स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप में समझ लेते हैं, इस तरीके से होगा बच्चों। चेन इनिशिएशन स्टेप आपका किस तरीके से होगा बच्चों, इस तरीके से चेन आपका इनिशिएट होगा। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर मैंने इसकी रिएक्शन इसके साथ करा दिया तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका एंड में क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इसके ऊपर अब कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, ठीक है, इस तरीके से मैंने चेन को इनिशिएट कर दिया। नाउ अब क्या होगा कि अगला क्या होगा, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। तो सेकंड स्टेप समझते हैं बच्चों, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। अब चेन प्रोपोगेशन स्टेप में आपका क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, चेन प्रोपोगेट हम किस तरीके से करेंगे, मतलब चेन के लेंथ को हमको इंक्रीज करना है, तो तरीका समझेंगे बस। वैसे ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको मैं बता देता हूं, यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिख जाए तो आप बोल सकते हो कि इसको कि कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन से बना है, आप सिंपल ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एक दो बार, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप का खेल है बस, आप समझेंगे आगे जाके, आगे जब मैं एनायनिक बताऊंगा तो आपको और इसके बारे में समझ में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ अटैच करेगा, नाउ ये डोनेट करेगा, ये इधर जाएगा और यही इसके साथ अटैच होगा, तो अब क्या होगा बच्चों, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, नाउ CH डबल सिंगल बॉन्ड CH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। नाउ अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, अगले स्टेप में आपका यहां पर फिर ये आपका रिएक्ट करेगा किसी के साथ, तो यहां पर ये फिर आपका किसी ना किसी के साथ जब आपका रिएक्ट करेगा तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और यहां पर आपका प्लस चार्ज, वापस से ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो इस तरीके से ये आपका मतलब एक्सटेंड मतलब रिएक्ट करता जाएगा, एक लॉन्गेस्ट चेन बनाएगा, एक क्या बनाएगा बच्चों, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जहां पर CH2, ठीक है, यहां पर आपका CH,
ठीक है, यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर आपका CH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये आपका प्लस चार्ज, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब आप देख रहे होंगे कि अगर ये N मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो N टाइप बना देगा, मतलब N टाइप मतलब N नंबर ऑफ इंक्रीज, मतलब लेंथ आपका इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, चेन को टर्मिनेट करना है, कि एक एंड पर जाके हमको चेन को रोकना भी तो है। जब एक एंड पर जाके हमको चेन को टर्मिनेट करना है, तो इसका चेन टर्मिनेशन स्टेप किस तरीके से होगा, चेन टर्मिनेशन स्टेप, ध्यान से समझेंगे, चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका CH3CH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, CH3CH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और CH3 नहीं CH2 है, और यहां पर आपका CH2CH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये तो आपका एन है, अब इसको चेन को टर्मिनेट करना है, तो देखो ये वाला एच है, ये वाला एच अगर बाहर निकल जाएगा तो यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां पर प्लस था। नाउ अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर इस तरीके से हम यहां पर चेन को क्या कर सकते हैं बच्चों, टर्मिनेट कर सकते हैं, इस तरीके से हम यहां पर चेन को क्या कर सकते हैं बच्चों, टर्मिनेट कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना, इस तरीके से हमने यहां पर चेन को क्या कर दिया बच्चों, टर्मिनेट कर दिया। तो यहां पर इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, तो यहां पर चेन को मैंने रोक दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो ये आपका था कैटायनिक, क्यों, क्योंकि आपका यहां पर आपका क्या बनता था, यहां पर आपका इनिशिएटर, चेन का जो इनिशिएटर है, इनिशिएटर ये आपका इनिशिएटर है, इनिशिएटर, इनिशिएटर आपका क्या बना बच्चों, यहां पर कैटायन, और यहां पर लुईस एसिड ने इनिशिएटर को प्रिपेयर करने का काम किया, लुईस एसिड और H2SO4। तो इस तरीके से हम यहां पर क्या देखते हैं बच्चों, कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब इसका एक और है बच्चों, यहां पर एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, उसको हम किस तरीके से समझेंगे, उसको हम ध्यान से समझते हैं बच्चों, काफी इजी है, अगर एक दो बार अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों एक एक बार, देखते हैं एक दो बार अच्छे से। अब देखते हैं यहां पर कैटायनिक थर्ड, कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब देखो कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन में हम क्या करेंगे बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है, एक दो बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन में हमने क्या करेंगे, देखो यहां पर ये किसका होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का काम करेगा, किसका काम करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का काम करेगा। जब ये आपका इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का काम करेगा, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, अब ये यहां जाएगा, जहां जाएगा तो यहां पर क्या जाएगा माइनस, और यहां पर क्या जाएगा प्लस, ठीक है। और हम यहां पर क्या लेंगे, इन्हीं चेन इनिशिएटर प्रिपेयर करने के लिए कोई बेस, बेस फेमस बेस मैंने ले लिया KNH2। अब KNH2 को मैंने यहां पर तोड़ा, तो यहां पर क्या बन जाएगा K+, और यहां पर NH2-। नाउ अब हम देखते हैं यहां पर एक एक करके स्टेप, तो सबसे पहला स्टेप हमारा कौन सा होता है, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। अब चेन इनिशिएशन स्टेप में CIS, चेन इनिशिएशन स्टेप, देखते हैं बच्चों चेन इनिशिएशन स्टेप में हमारा क्या होगा बच्चों, जो ये आपका एनायन बना है माइनस चार्ज, देखो ध्यान से माइनस चार्ज, अब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अब देखो ये यहां जाएगा, यहां पर पार्शियल माइनस, यहां पर पार्शियल प्लस, अब ये यहां अटैक करेगा, नाउ यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, NH2CH2 सिंगल बॉन्ड CH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां पर माइनस चार्ज, यहां पर माइनस चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, चेन प्रोपोगेशन स्टेप, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, चेन प्रोपोगेशन, चेन को आपको प्रोपोगेट करना है, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। अब देखो चेन प्रोपोगेशन स्टेप में आपका क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, चेन प्रोपोगेशन स्टेप में ये चेन आपका अपने लेंथ को एनहांस करेगा, अपने लेंथ को किस तरीके से एनहांस करेगा बच्चों, CH2 CH2, यहां पर CH, यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब देखो यहां पर मैं आपको
रिएक्शन कराता हूं, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये यहां जाएगा, ये यहां अटैक कर जाएगा। नाउ अब आपका क्या बन गया, NH2 CH2 CH, यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां पर आपका CH सिंगल बॉन्ड CH, तो CH2 यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां पर माइनस चार्ज, फिर अगेन ये आपका रिएक्ट करेगा किसके साथ, CH2 डबल बॉन्ड CH। इस तरीके से आपका मतलब रिएक्ट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। जब ये आपका रिएक्ट करता जाएगा तो यहां पर आपका CH2 CH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, CH2 CH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, CH2 CH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर इस तरीके से आपका इंक्रीज कर जाएगा। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, इस तरीके से आपका इंक्रीज कर रहा है, अब ये आपका एन टाइम में रिपीट हो रहा है, अब ये आपका एन टाइम से रिपीट हो रहा है, अब ये आपका कितने टाइप से रिपीट हो रहा है बच्चों, एन टाइम पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, अब ध्यान से समझना, यहां पर आपका क्या जाएगा पार्शियल माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब देखो चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, आपका चेन टर्मिनेशन स्टेप में एडिशन ऑफ प्रोटॉन होगा, क्या होगा, एडिशन ऑफ प्रोटॉन होगा। अब देखो एडिशन ऑफ प्रोटॉन मतलब H+ आपका इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, CH2 CH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, CH2 CH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, CH2 CH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहां पर आपका H+ आके जुड़ गया, तो ये आपका CH2। इस तरीके से हमने चेन को टर्मिनेट कर दिया, ये आपका है। अब यहां पर मुद्दे की बात ये है कि आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये आपका कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन से चलेगा कि एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन से। बच्चों कैटायनिक तो हमने पढ़ लिया था, ये हमारा कौन सा होगा, सॉरी ये हमारा होगा एनायनिक, ये हमारा कौन सा होगा एनायनिक, ठीक है, एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका कौन कौन हो सकता है, COOR हो सकता है, CN हो सकता है आपका, और कौन कौन से हो सकते हैं, यहां पर बेंजीन भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा बच्चों, C6H5 लिख दो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपका इस तरीके से अटैच होगा तो ये आपका एनायनिक एडिशन पोलिमराइजेशन को सपोर्ट करेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पॉलीमराइजेशन स्टेप को समझ लिया। अब कंडेंसेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कुछ नहीं होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या था बच्चों, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो ये तो वो एडिशन के बारे में हमने पूरा समझ लिया, एडिशन के बारे में हमने पूरा समझ लिया। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में क्या होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन स्टेप के बारे में क्या होगा बच्चों, पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कुछ नहीं बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स विद द लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2O NH3 एंड HCl एटसेट्रा। इस टाइप के अगर बेटा मॉलिक्यूल का लॉस हो जाए तो वो कंडेंसेशन का एग्जांपल होगा। सेम एज आपका एग्जांपल क्या होगा बच्चों, एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया था, एग्जांपल आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर नायलॉन 66 या फिर आपका नायलॉन 26। अब हम यहां तक आपको पॉलीमराइजेशन स्टेप्स के बारे में पता पड़ गया। नाउ अब हम चलेंगे बच्चों इसके एग्जांपल्स, अब केवल और केवल इसका एग्जांपल बचा है जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पूरे एग्जांपल एक साथ करा दूंगा, जिससे आपको पूरे स्टेप समझ में आ जाएंगे और आपको खुद आइडेंटिफाई करना है वहां पर लेक्चर के बीच में कि को पॉलीमर है या फिर आपका होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है, एडिशन है या कंडेंस है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। और खास तौर से
जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें आपको मोनोमर यूनिट्स के बारे में मेमोराइज करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी टाइम आप लोग हैंड टू हैंड मोनोमर यूनिट्स के बारे में ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से इस चैप्टर का जो थियोरिटिकल पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम कल चलते हैं रिएक्शन के पोर्शन पे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।